जिंदगी का सबसे बड़ा सच डेथ। मान लीजिए आपके आंखों के सामने किसी की डेथ हो जाए तो आप क्या करेंगे? नो ब्रीदिंग, नो पल्स, नो रिस्पॉन्स, क्लिनिकली डेड। ऐसे में इंपॉर्टेंट है क्या नहीं करना है। पहला 180 सेकंड से लेकर 240 सेकंड तक इज वेरी क्रूशल, द फर्स्ट 3 to 4 मिनट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या नहीं करने की लिस्ट में, नंबर 1 डोंट पैनिक, नंबर 2 डोंट कॉल एम्बुलेंस, नंबर 3 डोंट कॉल इवन द नेबर्स, बिकॉज इन सारे एक्शंस में आप समय वेस्ट करेंगे जिससे मुर्दे के जिंदा होने के चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। और हाँ, CPR भी नहीं करना, कार्डियो पुलमोनरी रिससिटेशन। तो करना क्या होगा, 1960 ऑनवर्ड्स ये एस्टेब्लिश हो चुका है कि मरने के इमीडिएट बाद अगर मुर्दे को एक खास तरह का एक्शन किया जाए, मुर्दे पर एक खास तरह का एक्शन किया जाए जिसे नाम दिया गया क्लोज चेस्ट कार्डिक मसाज, तो उसके जिंदा होने के चांसेस 70% तक होते हैं। अब ये क्लोज चेस्ट कार्डिक मसाज क्या है, ये जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि आज के सिनेरियो में जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वक्त अगर किसी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आ जाता है हॉस्पिटल सेटअप में, या कोई इंसान अचानक मर जाता है हॉस्पिटल के अंदर, तो वहाँ प्रोटोकॉल क्या है। वहाँ प्रोटोकॉल है द फर्स्ट थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज CPR। CPR तो आजकल स्कूल में भी बच्चों को ट्रेनिंग दिया जाता है, सभी को पता है CPR में इट इज़ कॉल्ड कार्डिक कंप्रेशन, जिसमें 30 बार कंप्रेस करना है और उसके बाद 2 रेस्क्यू ब्रीदिंग, 2 बार माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देना है। बस यहीं पे गड़बड़ हो जाती है। ये जो ब्रीदिंग है, इसकी वजह से जो उस डेड बॉडी के जिंदा होने के चांसेस 70% थे वो रिड्यूस होकर आ जाता है 10% पे। इसको ज़रा समझना होगा, स्पेशली कि मुर्दे पे जब आप कंप्रेशन करते हैं उसके चेस्ट के ऊपर ठीक तरह से, तो एक्चुअली बॉडी के अंदर होता क्या है। अब देखिए, ये हार्ट है, जब मुर्दे पे कंप्रेशन करेंगे तो हार्ट में, दिस इज एओर्टा, यहाँ पे प्रेशर डेवलप होगा और फिर राइट एट्रियम में प्रेशर डेवलप होगा। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं जो ब्लू लाइन है वो प्रेशर है फॉर रिप्रेजेंटिंग द राइट एट्रियम, और रेड लाइन इज द प्रेशर रिप्रेजेंटिंग द एओर्टा। वो जो प्रेशर डिफरेंस है दोनों के बीच में, दैट इज कॉल्ड CPP, दैट इज कोरोनरी परफ्यूजन प्रेशर। ये प्रेशर डिफरेंस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ब्लड सर्कुलेशन होती जाएगी, और जब ब्लड सर्कुलेशन 20% तक भी हो जाती है इन कंपैरिजन टू जब वो पेशेंट जिंदा था उसके कंपैरिजन में, अगर ब्लड प्रेशर 20% तक भी पहुंच जाती है तो उस मुर्दा के जिंदा होने के चांसेस बन जाते हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट कार्डिक कंप्रेशन। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आप कंप्रेस कर रहे हैं, करीब 30 कंप्रेशन देते हैं जब तक कि प्रेशर बिल्डअप हो ही रहा था, ऐसे में आप कंप्रेशन रोक के माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देने लगते हैं, वेंटिलेशन करने लगते हैं, ऑक्सीजनेशन करने लगते हैं, जिससे अब स्क्रीन पे देखिए प्रेशर दोबारा से 0 पर आ जाता है, यहाँ का प्रेशर, एट्रियम का और एओर्टा का भी। सो उसके बाद दोबारा आप रीस्टार्ट करते हैं कंप्रेशन, दोबारा प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं। ये जो इंटरप्शन है, ये इंटरप्शन ही उस मुर्दे के जिंदा होने के चांसेस को घटा देती हैं। और ये चीज़ मेडिकली ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, दुनिया की सबसे ज़्यादा रेफर्ड टेक्स्ट बुक हार्ट की, जिसका नाम है हर्ट्स द हार्ट, इसके 13th एडिशन के पेज नंबर 1170 पे अगर जाते हैं तो उसमें जो चैप्टर है, दैट इज कॉल्ड द टॉपिक इज रेस्क्यू ब्रीदिंग, और रेस्क्यू ब्रीदिंग में यही लिखा है कि जिसका नाम तो रेस्क्यू ब्रीदिंग दिया है, बट दरअसल ये इंसान के जिंदा होने के चांसेस को बढ़ाते नहीं है, वो उल्टा घटा देते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी भी ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में प्रोटोकॉल यही है कि कंप्रेशन, उसके बाद इमिडिएटली बाद रेस्क्यू ब्रीदिंग। इसीलिए मैं अक्सर बोलता हूँ कि डेथ के इमीडिएट बाद हॉस्पिटल ना ले जाके आपको वहीं पे पेशेंट को ज़िंदा करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल ले जाने लगेंगे तो 4 मिनट तो वेस्ट हो ही जाएंगे, बल्कि 10 मिनट तक किसी हॉस्पिटल में पहुंच जाएं, इमरजेंसी तक पहुंच जाएं, ये भी पॉसिबल नहीं है, और उस इंसान को पूरी तरह खो देंगे। तो अगर आप चाहते हैं कोई इंसान ज़िंदा रहे तो आपको परफेक्टली कार्डिक कंप्रेशन करना है, जिसे पहले बोला जाता था क्लोज चेस्ट कार्डिक मसाज। इसको करने के 4 स्टेप हैं। स्टेप 1, आइडेंटिफाई वेदर द पेशेंट इज क्लिनिकली डेड और नॉट, ये आइडेंटिफाई करना कि पेशेंट मर गया है, इंसान मर गया है या जिंदा है। इसको आइडेंटिफाई करने का सिंपल तरीका है नो ब्रीदिंग नो पल्स। आपको एहसास करना है कि ब्रीदिंग है और आपको पल्स देखना है।
और ये सारा कुछ आपको करना है कंप्लीट विद इन द फर्स्ट 3 to 4 सेकेंड, पहले 3-4 सेकेंड के अंदर ही। कई बार हमें लगता है कि ब्रीथ कर रहा है, दरअसल वो उसे बोलते हैं गैस्पिंग। आप वीडियो में देखिए, दिस कॉल्ड गैस्पिंग, जब विक्टिम हिलडुल रहा होता है और ऐसा लगता है कि मुंह से सांस लेने की कोशिश कर रहा है, इसे भी आप क्लिनिकली डेथ बोल सकते हैं अगर इसका पेशेंट का पल्स नहीं है। तो अगर गैस्पिंग आप देखें तो इमीडिएटली पल्स चेक करें, और पल्स अगर नहीं मिल रहा है तो समझ लीजिए दिस इज अ क्लिनिकली डेड बॉडी। इसका मतलब इमीडिएटली आपको कार्डिक कंप्रेशन शुरू करना है बिना समय वेस्ट किए। सेकेंड स्टेप यह है लोकेशन, कहाँ पे कार्डिक कंप्रेशन करना है वो जगह लोकेट करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप परफेक्टली जगह नहीं लोकेट कर पाएंगे फिर भी, तो इसका मतलब वो दोबारा जिंदा होने की पॉसिबिलिटी को आप घटा रहे हैं। हाउ टू लोकेट परफेक्टली, उसके लिए देखिए इसे बोलते हैं कोड ब्लू ट्रेनर्स टी शर्ट। इसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, ट्रेन करूंगा किस तरह से 2 सेकंड के अंदर आप राइट लोकेशन देख सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इसमें क्या करना है, आपका जो रिप केस है उस रिप केस को आपको फॉलो करना है। दिस इज माई रिप केस, एंड रिप केस को मैंने फॉलो किया, दिस इज माई रिप केस, एंड यहाँ पे जहाँ पे मिलता है उसके ऊपर अपने फिंगर रखा, एंड दिस इज द प्लेस। यहाँ पे आपको अपने पाम का हील रखना है, एंड दिस बिकम्स द राइट प्लेस। सो ये सारा कुछ एक्शन आपको कंप्लीट करना है विद इन 2 सेकेंड्स, दैट इज लगभग यहाँ पे, दैट इज इट मीन्स निपल लाइन के लगभग बीच में, लगभग बीच में। सो दिस एक्शन यू हैव टू कंप्लीट विद इन 2 सेकेंड। अब तीसरा स्टेप है डेप्थ। अगर वो एडल्ट है तो डेप्थ होना चाहिए लगभग 2 इंच, और अगर वो एडल्ट नहीं है, बच्चा है, तो डेप्थ होना चाहिए लगभग 1 इंच से लेकर 1.5 इंच, डिपेंडिंग ऑन कि उस बच्चे की उम्र कितनी है। सो डेप्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव द राइट कंप्रेशन। एंड फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नंबर ऑफ कंप्रेशन पर मिनट, दैट शुड नॉट बी लेस देन 100 कंप्रेशन पर मिनट एंड शुड नॉट बी मोर देन 120 कंप्रेशन पर मिनट। 100 से लेकर 120 कंप्रेशन पर मिनट तक आपको अचीव करना है, और हर कंप्रेशन लगभग 2 इंच तक होना चाहिए, और वो रिदमिक होना चाहिए, तभी आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो मुर्दा जिंदा शायद आ जाए, जिंदा हो जाए। सो ये आप तभी कर पाएंगे, ये चारों स्टेप परफेक्टली तभी कर पाएंगे जब आप इसकी प्रैक्टिस लगातार करते रहेंगे। कितनी प्रैक्टिस, लगभग हर हफ्ते में 5 मिनट की प्रैक्टिस, 5 मिनट्स प्रैक्टिस पर वीक, यानी कि लगभग 500 कंप्रेशन पर वीक। सो इसके लिए आप क्या कीजिए, यू कैन बाय अ मैनिकन लाइक दिस, ऐसा एक खरीद सकते हैं, और इस पे हफ्ते में एक दिन 5 मिनट निकाल सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि समय आने पर आप किसी की मदद कर सकते हैं उसको दोबारा जिंदा करने के लिए।